जी उन्होंने सब नंदा, हमने तो तीर अंधेरे में चलाया था लेकिन लगा निशाने पर। दत्ता जी के बारे में कोई तो ऐसी बात है जो तेज और चंदा अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन छिपा रहे हैं। क्या हो सकती है, नसीहत के बारे में या फिर कुछ और? अमला, गुणवंती जल्दी करो, लल्ला राह देख रहा होगा। कितनी अच्छी खबर है ना, वीर को पूरी तरह से होश आ गया। ये लड़की कहाँ गई? अमला आई, कहाँ हो गया, कुछ लेकर आए? वीर की डॉक्टर का फोन आया था, हम अस्पताल जा रहे हैं। अच्छा, तुम खाना बना के रखना। हुँ? हाँ बना के रखेंगे। और हाँ, बातें करते बैठ मत जाना, किसी को घर की खबर कुरेद कुरेद के लेने में बहुत मजा आता है। कान और आंख अगर खुली हो तो सब कुछ अपने आप ही पता चल जाता है। वैसे हम आपकी बहू का अच्छी तरह से ख्याल रखें, आप चिंता मत कीजिए। अमला, हम सच बता रहे हैं, आज से पहले ना इस घर में हमें कभी किसी ने इतने प्यार से नहीं पुकारा। सच्ची, इस घर में तुम ही तो हमारी एक हम उम्र जो हमें समझती हो, और हम तुम्हारा दर्द। सच्ची, हाँ तो जल्दी से हमको बता दीजिए, हमारा सर क्यों इतना दर्द करता है? हम सच बता रहे, सुबह शाम इतना पिराता है ना, बहुत परेशान हो गए। बताइए तो। अरे पगली, हम उस दर्द के बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं। तो हम तो दिल के दर्द की बात कर रहे हैं। अभी माई ने जो किया वो ठीक तो नहीं है ना? तुम्हारे पति को होश आया, किसी ने तुम्हें बताया तक नहीं, ना तो किसी ने तुम्हें पूछा साथ चलने के लिए, बस ऑर्डर दे दिया। अमला, खाना बना लेना। हम बताएं, खाना बनाना ज्यादा आसान है लेकिन अस्पताल जाना ना बहुत मुश्किल का काम है। सच बता रहे, एक तो इतनी बदबू आती है दवाई की अस्पताल में, ऊपर से एक डॉक्टर जाता है दूसरा आता है। हम सच बता रहे, बहुत नींद आती है हमको अस्पताल। लेकिन अमला, अगर तुम्हारे पति को पहली बार होश आए तो वो तो तुम्हें देखना चाहेंगे ना। अब माई चाहती नहीं कि तुम उनके साथ जाओ। ऐसी बात नहीं है, माई ऐसा क्यों करेंगी, हम बताएं। तुम हमेशा बहुत जल्दी में रहती हैं, तो कहीं से फोन आता फट से भाग लेती है। हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे पति को इतने दिन बाद होश आए तो वो चाहेंगे अपनी पत्नी को देखने के लिए, और वो चाहती नहीं कि तुम वीर का दिल जीतो, इसलिए तुम्हें साथ नहीं लेकर गई। दो मिनट रुक जाती तो। हाँ, ये बात तो सही की आपने, दो मिनट रुक जाती है हमारे लिए, हम और साथ चले जाते हैं उनके। तो तुम ना बहुत ही भोली भाली और सीधी सादी हो। ये बात ना आपने एकदम सच की, लेकिन हमारे गांव में हमको बोलते हैं कि अमला जो है वो बुद्धू है, लेकिन हम सच बता रहे, हमारी जो माई थी ना, हमारी अम्मा, वो हमको कहती थी कि हमारी जो अमला ना एकदम सीधी सादी गाय है, गाय गाय कहती थी हमको। बताइए, बुद्धू हो तुम एकदम। अब ये सीधा साधापन छोड़ दो। अरे क्या छोड़ दे, अब हमारा कहने का मतलब है, अब देखो वीर इतने दिन बाद ठीक हुए हैं तो वो तो तुम्हें अच्छी साड़ी, मैचिंग गहने और सजी धजी देखना चाहेंगे, है ना? तो तुम्हें तो अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए उनके लिए। अभी खाना वाना बनाना तो नौकरों का काम है, तुम तो ठकुराइन हो, ठकुराइन खाना थोड़ी ना बनाती है। सच का, ठकुराइन है हम, ठकुराइन, हमको तुम नौकर बना के रख दिया इस घर में, सच बता रहे। अभी जाते एकदम एकदम हीरोइन जैसे ब्यूटीफुल बनकर आते हैं, है? बस अभी गए और हम।
बात कहें, आप ना बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। थैंक यू अच्छा। पक्षी आते हम एक घंटे में तैयार रखे हैं। हाँ जल्दी जल्दी। हाँ लल्ला, तू हमसे बात क्यों नहीं कर रहा? कौन सी बात तुझे परेशान कर रही है? बताना हमें। माय डॉक्टर साहब ने क्या कहा? मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा? तू ठीक हो रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा है तू जल्दी ठीक हो जाएगा। तेरे सर पे चोट लगी थी ना, इसीलिए तो कभी कभी होश में आता है और फिर बेहोश हो जाता है। और जब तू होश में आता है तब तू कुछ भी पूछता है और फिर बेहोश हो जाता है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि तू जल्दी ठीक हो जाएगा और हमें उम्मीद है कि तू जल्दी घर आ जाएगा। आराम कर, हम अस्पताल के मंदिर से हो आते हैं और डॉक्टर साहब से भी मिल के आएंगे। ठीक है? लल्ला, कुछ याद आ रहा है बेटा? पिछली बार जब तुझे होश आया था तो तूने कुछ पूछा था, इच्छा के बारे में पूछा था बेटा, कुछ याद आता है? याद आता है? कोई बात नहीं, याद आ जाएगा, सब याद आ जाएगा। मेरा दिल कहता है बाबा यूवी के केस का क्या हुआ? लल्ला, ये बातें हम घर जाके करेंगे बेटा, अभी तू अपने दिमाग पे जोर मत डाल। हाँ सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। एक बात तो पता चल चुकी है, ये शादी वीर की मर्जी से नहीं हुई है। छोटी सासू माँ, बताइए कैसे लग रहे हैं हम? एकदम हीरोइन लग रहे हैं ना? अरे नजर ना लगे तुम्हें किसी की। थैंक यू। इतनी खूबसूरत लग रही हो, लेकिन थोड़े छोटे नहीं है? छोटे लग रहे हैं। अरे ऐसे कैसे हो गया? अच्छा हम बताएं, हमारे पास जैसे झूमर होते ना, झूमर वैसा झुमका है हमारे पास, वो पहनने तो बड़े 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 झुमके हैं, हैं अच्छे लगेंगे। हाँ वो सुंदर लगेगा। ये क्या लगा रखा है? और थोड़ी हेयर स्टाइल भी तो अच्छी बना कर जाओ, बाल नहीं सजाओगी? सजाएं? हम बताएं, वो गुलाब और चमेली के फूल लगा लेते हैं चुटिया पे, सुंदर लगेंगे ना? हाँ फिर चुटिया सजा के जाएंगे पति जी के पास, खुश हो जाएंगे, है ना? अरे खुद जाओगी? हाँ आत्मसम्मान नहीं है, जब वो बुलाए तब जा। इस जन्म में तो नहीं बुलाएंगे? बुलाएंगे, सबर करो। आप कहती हैं तो नहीं जाएंगे। ओ काशा, किसके लाने इतनी सरसर से चाय आ रही है? नहीं बहू रानी की चाय ना है, ग्रीन टी है। ग्रीन टी? देखो तो जरा क्या होती है ये।
ये ग्रीन टी है। हम काली चाय देखे हैं, पीली चाय देखे, ग्रीन टी तो कभी देखे ही नहीं है। कोई बात, आज हमारी पत्नी के साथ हम चाय पिएंगे, क्या कहते हो? जे का जे तो एक ही कप है, हमारे लाने दूसरा कप लिया। अरे जाओ। मैं आपकी मां से बहुत साल पहले मिला था। तारा जी, हाँ ये हम सबकी टीचर दीदी थी। बेटी, आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहने आई हूँ बेटा कि विष्णु ने जो कुछ भी किया अपने मन से किया, तुम्हारे लिए किया, मेरे कहने पर या मेरे इशारों पर नहीं। वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, इस दोस्ती को खो मत देना। तो क्या करूँ मैं, क्या करूँ? घर पे रहती हो तो आप हमेशा मेरे सामने होते हो, बाहर जाते हो, किसी के साथ दोस्ती करते हो उसमें भी आप होते हो। करूं तो क्या करूं? मुझे दोष देना है तुम दे सकती हो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इस दोस्ती की अहमियत को समझो। हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है दोस्ती। मैंने इस दोस्ती को अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दिया है। अब तो आप खुश है ना? Now for God's sake, please leave me alone. चाय हम बनाएंगे, अब तो जाओ जाओ। अरे सर पे खड़े रहोगे क्या? पति पत्नी चाय पी रहे हैं। अरे जाओ कसा जाओ। जल्दी तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है। थैंक यू, जिंदगी में पहली बार ग्रीन टी पी रहे। ये चाय आपके लाने आई थी, हमने थोड़ी पी, तुम्हारे लाने बनाए। क्या बात, बहुत प्यार आ रहा है हम पर। देखना पड़ेगा सूरज कौन सी जगह से हो रहा है। तुम तो हमारे गले में फंदा डालने की बात कर रहे थे। अरे तो आज आज चार डालेंगे। शक होता है तुम्हारी हरकतों पर।
अरे सक तो होए, पर यकीन मानो, देखो हम यहाँ से आए, आते आते कसा को देखा, हाथ में चाय की ट्रे थी, हमने बोला कसा रुक। अरे जे वक्त चाय किसके लाने लेके जा रहा है? कसा बोला आपके साथ पत्नी के लिए। अरे बोला क्या बात है, आज हमारे पत्नी के साथ हम चाय पियेंगे। हमने बोला जा कसा एक कप लेके आ। कसा एक कप लेके आया, हमने हमारे लिए चाय बनाई, आपके लिए बनाए। कितने सारे सबूत इकट्ठे किए ना आपने, ऐसा तो कोई शातिर मुजरिम ही कर सकता। बिस्किट खाओगी? ये तो सब गांव वाले खाते, हम शहरी तो कुकीज खाते। कुकीज? कुकीज? हम आए थे चुड़ैल पीले कि देखती रहेगी बस। दिखती हमारे दवाई जैसे है, हैं? पर ये ग्रीन टी बहुत बढ़िया है। हम आपकी पत्नी है ना? हाँ, तो? और आप हमारे पति परमेश्वर? हाँ? आपको पता है हम इससे पहले भी इस घर में ब्याह कर आए हैं। तब माई ने हमसे कहा था कि पति की जुटन पीने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। ये बात तो है। आज आपको भी हम पर प्यार आ रहा है। तो फिर पीजिए हमारे कप से घूट। पीजिए ना पति परमेश्वर जी, हम भी आपकी झूठन पीना चाहते हैं। क्या हुआ आजकल बात बात पर आपको पसीना आने लग गया है? बीपी चेक करवाना है, डॉक्टर को बुला दें, या फिर आप हमारे हाथों से पीना चाहते हैं?